फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सौंफ के साथ मीठी पूरियां, जो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए, तो हम इनको बनाते हैं जल्दी से। तो इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम शुगर और 250 ग्राम गुड़, जिसको हम जैगरी भी बोलते हैं। तो 250 ग्राम जैगरी और 200 ग्राम हमने शुगर लिए, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और अब हम इसमें एक ग्लास पानी डाल के इसको लो फ्लेम पे थोड़ा सा गर्म करके इसको चलाएंगे। ये मेल्ट हो जाएगा तो हम इसको मेल्ट करके छोड़ देंगे। देखिए, हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया ना ये। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब ये हमने 1 किलो आटा लिया है और हम इसमें 200 ग्राम देशी घी ऐड कर देते हैं। अब हम इसको दोनों हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। और अगर देशी घी नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं या वनस्पति घी भी यूज कर सकते हैं। अब हमने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हमने जो सिरप तैयार करा था ना, गुड़ और शुगर का, जैगरी और शुगर का, वो हम इसमें डाल देंगे। हम इसको छान भी डालेंगे ताकि कोई अगर इसमें लम्स हो या कुछ गांठे रह गई हो तो वो हमारे छन्नी में आ जाएंगी। और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। देखिए, ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अगर आपका उस पानी में काम ना हो, मतलब उस पानी में आपको थोड़ा कम लगे, तो आप उस सिरप के बाद भी और पानी, सादा पानी यूज कर सकते हैं। और इसको अच्छे से डाल के इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। देखिए, मेरा डो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। और अब हम इसको एक पॉलिथीन में रैप कर लेंगे या किसी बर्तन में इसको अच्छे से ढक के रखेंगे ताकि ये सूखे ना। और 10 मिनट हम इसको ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, ये मेरा 15 मिनट्स हो गए हैं। अब मैंने इसको देखा, चेक कर लेते हैं। मैंने इसको पॉली बैग से भी ढक देते कि अगर हमारी कहीं से भी किनारियां ओपन रह जाती हैं तो ये हमारा सूखेगा नहीं। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे और इसको अच्छे से इस तरीके से गूथ लेंगे। और हाँ फ्रेंड, मैं बताना भूल गई कि जब मैंने इसको गूथा था ना, मैंने इसमें घी डाला था, तो उसी दौरान मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच वो ली थी सौंफ, जो मैंने पीस ली थी, और वो मैंने दरदरी इसके अंदर ऐड कर दी थी ताकि इसमें खुशबू आए सौंफ की। अभी हमारा अच्छे से सॉफ्ट डो बन गया है। अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे। अपने मनचाहे बनाइए, जितनी आपको बड़ी छोटी करनी है, ये देखिए। और अब हम इसको बेल के पूरियां, लोई को हल्का सा ऑयल लगाएंगे और अब हम इसको बेल लेंगे। आप देख रहे हैं ना, इसके बिल्कुल किनारे फटे नहीं है, प्रॉपर पानी होना चाहिए। और जैसे मैंने मेजरमेंट बताया है, 1 किलो आटे में 200 ग्राम घी और 450 ग्राम मीठा, तो बिल्कुल परफेक्ट होता है। आप उसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आप इससे, इस तरीके के आटे से पराठा या पूरी कुछ भी रेडी कर सकते हैं। दूसरा, ये पूजा में भी मीठी पूरियां यूज होती हैं, महिलाएं करती हैं। तो मैंने सुना है मोस्ट ऑफ वो पराठे या पूरी कुछ बनाती हैं तो वो उनके क्रैक हो जाते हैं या फूलते नहीं है, टूट जाते हैं, तो बड़ी परेशान होती हैं। तो वो इसी मेजरमेंट से बनाएंगी तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। और हमने ऑयल गरम करा और हमने अपने पूरियों को इसके अंदर डाल दिया। देखिए, ना टूटी है ना कुछ, और बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन सिक के रेडी हो गई है। देखिए, मैंने इसी तरीके से सारी पूरी रेडी कर ली है। बहुत ही सॉफ्ट बनी है, आप देख रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनी है ये देखिए। और बहुत ही टेस्टी भी है, इसका मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको कर्ड से खाइए या आप इसको अचार से खाइए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और आप बच्चे भी इसको बहुत पसंद करेंगे बड़ों के साथ साथ।
तो आप इसको बनाइए, खाइए और बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।